हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। डायरेक्ट मेथड मीन आज हम सीखेंगे कैसे फाइंड करते हैं इसे। परसेंट ऑफ फीमेल टीचर, ये बच्चे हमारा क्लास इंटरवल होता है। नंबर ऑफ स्टेट और यूनिट टेरिटरी, ये हमारा FI होता है। ये दोनों बच्चे हमें बुक में गिवन होता है। क्लास मार्क हमें फाइंड करना होता है, जिसे हम मिड पॉइंट भी कहते हैं। क्लास मार्क हम कैसे करेंगे, इसका फॉर्मूला क्या होता है बच्चे? अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइड बाय 2। अपर लिमिट हमारी ये वाली साइड होती है बच्चे, लोअर लिमिट हमारी ये वाली साइड होती है। हमने इन दोनों को प्लस करके 2 से डिवाइड कर दिया। जैसे कि एग्जांपल, 25 प्लस 15 डिवाइड बाय 2, इस हमारा 20 आ जाएगा। 25 प्लस 15 हमारा 40 आएगा। 40 को हम 2 से डिवाइड करेंगे तो 20 आएगा बच्चे। इसे हमारा 20 आ गया ना, फर्स्ट हमारा फाइंड हो गया 20। अब 25 प्लस 35, इसको प्लस करने पे हमारा कितना आएगा? 60। 60 को अगर हम 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारा 30 आंसर आएगा बच्चे। 35 प्लस 45, इसको हम प्लस करेंगे तो हमारा 80 आएगा। 80 को हम डिवाइड करेंगे तो हमारा 40 आ जाएगा। इसे 45 को प्लस करेंगे और प्लस 55 तो हमारा जाएगा 100। 100 को हम 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारा 50 आएगा। इसी तरह हम सारे क्लास मार्क फाइंड कर लेंगे इसे प्लस करके। अब हमने क्या फाइंड करना है? FXI हमारा क्या होता है? F मल्टीप्लाई बाय XI। जैसे कि 6 मल्टीप्लाई बाय 20 120, 11 मल्टीप्लाई बाय 30 330। इसी तरह 7 मल्टीप्लाई बाय 40 280, 4 मल्टीप्लाई बाय 50 200, 4 मल्टीप्लाई बाय 60 240, 2 मल्टीप्लाई बाय 70 हमारा आ जाएगा 140। अब इसी तरह 1 मल्टीप्लाई बाय 80 हमारा आ जाएगा 80। सिग्मा FXI। अब सिग्मा क्या होता है बच्चे? सिग्मा मतलब सम। इन सबको प्लस करके जो हमारा आंसर आता है उसे सिग्मा कहते हैं। प्लस करना को हम सिग्मा कहते हैं। इसलिए सिग्मा FXI 1390। इसे हमें प्लस करके आंसर आया। हमने ऐसी तरह FI को भी प्लस करके सिग्मा FI निकाल लेना है, जो हमारा 35 आया। अब डायरेक्ट मेथड मीन का फॉर्मूला क्या होता है? सिग्मा FXI बाय सिग्मा FI। सिग्मा FXI हमारा कितना है? 1390, और सिग्मा FI हमारा है 35। अगर इसे हम डिवाइड करेंगे, 5 के टेबल में एक कटिंग हो रही है, ये 5 पे कितना आता है? 278 पे, और ये हमारा 7 पे आता है। अगर इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो हमारा जगह 39.71 हमारा मीन फाइंड हो गया। ये हमारा था डायरेक्ट मेथड मीन फाइंड करने का मेथड। अगर कोई भी डाउट है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिखें। थैंक यू बच्चे।